जहाँ पर अगर हम ये एग्जाम देते हैं तो देर इज लाइक हाई चांसेस कि हमारा सिलेक्शन TCS में हो सकता है, राइट? और TCS एग्जाम के अंदर तीन चीजें आती हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, राइट? ये तीन एग्जाम अगर हमारे ये फंडा क्लियर है तो यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम एंड यू कैन क्रैक द TCS. एंड मान लो कि भाई मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम आपकी बात मान के, ठीक है, तो अब ये बताओ कि एज अ फ्रेशर मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ TCS से, मुझे कितना मिल सकता है मनी सैलरी? सो इफ यू क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ एनक्यूटी देन द स्टार्टिंग सैलरी विल बी अराउंड, हमने ये बहुत सुना है कि TCS ज्वाइन मत करो बिकॉज ऑफ TCS में उस लेवल पे काम नहीं होता है या बैठना पड़ता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि ये रियलिटी में ऐसा है या आप किसी एक नए बंदे को फ्रेशर को यू विल रिकमेंड कि TCS ज्वाइन करना है? नो, इट इज नॉट ट्रू. यू कैन ज्वाइन एज अ स्टार्टिंग, यू कैन ज्वाइन, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड न्यूमरस प्रोजेक्ट, मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर विद TCS ओनली. सो हाय गाइस, दिस इज समीर हियर. सो आज हमारे साथ हैं असर भाई फ्रॉम हैदराबाद. सो ही इज़ इन TCS. तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप एक TCS में किस तरीके से जॉब ले सकते हो. एज वी ऑल नो कि TCS एक बहुत अच्छा ब्रांड है, राइट? तो एज अ स्टार्टर अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो IT कंपनी में तो ये वीडियो आपके लिए यार बहुत हेल्पफुल होने वाला है. एंड ऑल्सो वी विल शेयर ये कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो लेट स्टार्ट द वीडियो. बट यू नो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो व्हाट यू हैव टू डू इज गिव सपोर्ट एंड देन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. Yeah, so, hi. Hi Asar bhai, thank you so much coming here. Our audience wants to know about you. So, my name is Asar Jamal. I am from UP, Unnao. I joined TCS Hyderabad 2 years back. So, that's it. Okay, so where did you do your bachelor? I did my bachelor in my city only, BTech with CSC branch from AKTU. Okay. आपने ऑन कैंपस ट्राई किया ऑफ कैंपस? माइन वाज ऑफ कैंपस. सो असर भाई, आप TCS ऑफ कैंपस जॉइन किया, राइट? तो आप बोल रहे हो कि आपने ऑफ कैंपस कैसे जॉइन किया. अगर मेरा व्यूअर जानना चाहता है कि उसको TCS जॉइन करना है ऑफ कैंपस खुद से, तो वो कैसे अप्लाई करे, क्या वे है वो बताओ आप. सो NQT कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शन. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. इट हैज द फर्स्ट सेक्शन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन एप्टीट्यूड, एंड द हार्ड पार्ट इज द कोडिंग व्हिच हैज सिंपल कोडिंग क्वेश्चंस. So if you clear NQT, then they will call you for the digital NQT. If you clear the digital NQT also, then you will go for the digital interview round. Otherwise, you will go for that basic NQT round only. Okay, so Asar bhai, matlab like for NQT is a exam, TCS NQT is a exam. जहाँ पर अगर हम ये एग्जाम देते हैं तो देर इज लाइक हाई चांसेस कि हमारा सिलेक्शन TCS में हो सकता है, राइट? और TCS एग्जाम के अंदर तीन चीजें आती हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, राइट? ये तीन एग्जाम अगर हमारे ये फंडा क्लियर है तो यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम एंड यू कैन क्रैक द TCS. एंड मान लो कि भाई मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम आपकी बात मान के, ठीक है, तो अब ये बताओ कि एज अ फ्रेशर मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ TCS से, मुझे कितना मिल सकता है मनी सैलरी? इफ यू क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ NQT देन द स्टार्टिंग सैलरी विल बी अराउंड 3 से 3.5 KBLPA. अगर आपने डिजिटल NQT क्लियर किया देन इट विल कैन गो अप टू 7 to 7.5 LG. ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक TCS NQT, एक NQT डिजिटल, राइट? तो अगर हमने NQT करा तो ये 3.3 से लेके 3.5 तक जाता है. अगर इसके बाद भी एक और एग्जाम हमने दिया, जैसे JEE होता है, JEE मेंस और JEE एडवांस, राइट? तो अगर हमने डिजिटल NQT दिया तो हमारा अप टू 7 लाख तक जा सकता है, राइट? ओके, अच्छा, तो ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई. आप ये बताओ कि एक अगर सिंगल पर्सन हैदराबाद में रहता है तो उसका मंथली एक्सपेंसेस क्या आ सकता है अकोमोडेशन एंड फूड मिलाकर, ये बताओ. सो अकोमोडेशन और ट्रैवल और योर फूड सब इंक्लूड करके आपका अराउंड 15 to 20, इट कैन गो अप टू 15 to 20 मैक्सिमम. एंड गाइस, आई पर्सनली लो यहाँ पर कुछ ऐसे PG भी हैं जो कि आपके 10,000 से 15,000 के बीच में रेंट प्लस फूड दोनों प्रोवाइड करते हैं. तो लाइक इफ यू आर गेटिंग 30 or 35K इन हैंड पर मंथ, तो आप तक एज ए स्टार्टिंग में सर्वाइव करने के लिए बहुत बेस्ट है. बिकॉज यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहा हूँ, हैदराबाद में यार अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इवन गुड़गांव से भी ज़्यादा है, यू नो. तो एक बार बस यहाँ पर टिक गए ना, तो भाई पर्सनली आप बहुत लंबा खेल जाओगे अगर सही वक्त के साथ सही डिसीजन लोगे तो. एंड थैंक यू सो मच भाई, आप अपना टाइम निकाल के आए. और एक और चीज़ एंड में हम जाते जाते क्वेश्चन लास्ट और पूछूंगा, दैट इज़ कि अगर
हमने ये बहुत सुना है कि TCS ज्वाइन मत करो बिकॉज ऑफ TCS में उस लेवल पे काम नहीं होता है या बैठना पड़ता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि ये रियलिटी में ऐसा है या आप किसी एक नए बंदे को, फ्रेशर को यू विल रिकमेंड कि TCS ज्वाइन करना है? नो, इट्स नॉट ट्रू. यू कैन ज्वाइन एज अ स्टार्टिंग, यू कैन ज्वाइन, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड न्यूमरस प्रोजेक्ट, मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आर विद TCS ओनली. सो इफ यू गेट ज्वाइन देन यू विल गेट अ मल्टीपल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. ऐसा नहीं अहमियत है जो इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं कि TCS में खाली बैठा के पैसे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क. हाँ, एग्जैक्टली यार. थैंक यू सो मच सर भाई, आप बाहर निकाल गया टाइम एंड होपफुली ये वीडियो हमारे ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगी. गाइज, इफ यू फील कि मैं कोई क्वेश्चन पूछने से भूल गया, देन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर इट. थैंक यू सो मच सर भाई. थैंक्स.